नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सोनीपत के मूर्थल से सामने आया है, जहां रविवार को 5 दोस्त दिल्ली से कार में सवार होकर सुखदेव ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे। तब फ्लाईओवर से नीचे उतरते ही ट्रक के साथ उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही कार में सवार 4 युवकों की मौत हो गई। बताया गया है कि दिल्ली के रोहिणी से तुषार गुप्ता, जो कि एक कोचिंग सेंटर चलाता था, उसके मित्र शुभम शर्मा और वैभव ककराल, जो कि इंजीनियर थे और आईटी कंपनी में कार्य करते थे और मेघा पीजी की पढ़ाई कर रही थी, जब वह यहां मूर्थल क्षेत्र में ढाबे पर खाना खाने के लिए पहुंचे तो उनकी गाड़ी i10 एक ट्रक के साथ भिड़ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें उनका एक साथी घायल हो गया जिसका इलाज चल रहा है। मूर्थल पुलिस थाना से जांच अधिकारी अजमेर सिंह ने बताया कि ट्रक के साथ i10 गाड़ी की भिड़ंत हुई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर सभी 4 युवकों के शवों को कब्जे में लेकर यहां अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मौके पर जाके यह पेड़ दर्ज कर दी है, तफ्तीश जारी है, पोस्टमार्टम के बाद कितने बच्चों की मौत हो गई, किस तरह से इधर आई है? 4 लड़कों की मौत हो गई और एक इंजर्ड हो गया। 3 लड़के, 1 लड़की। किस तरह से ये हादसा हो गया? ये सुखदेव होटल में खाना खाने के लिए गए हुए थे, जब फलों ढाबा के सामने एक लागे रोड क्रॉस करते उसको बचाते समय एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने अब किसके खिलाफ कार्रवाई की? ट्रक जो सामने से अनजान है? नहीं नहीं, नंबर है। अच्छा, कंफर्म हो गया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।